एक अच्छा टीम मेंबर जो है उसके अंदर क्या क्या खूबियां होनी चाहिए, ठीक है। अब हम थोड़ी सी टेक्निकल चीजों की तरफ आ रहे हैं। शेयर आइडियाज एंड ओपिनियंस, अपने आइडियाज और अपनी राय का खुलकर इजहार करना चाहिए। जिस तरह आपकी मीटिंग होती है, उस मीटिंग में हर शख्स को बोलने का मौका मिलना चाहिए और हर शख्स की राय अपने आइडियाज का खुलकर इजहार करें। कुछ लोग होते हैं कि जो छुपा कर रखते हैं अपने आइडियाज को, के ताकि बाद में वो आइडिया को आगे निकालूंगा ताकि मेरी वाह वाह हो। तो ये एक लिहाज से लेकर तो अच्छा है, लेकिन जब आपका टारगेट सेम हो, आप एक टीम मेंबर अच्छे टीम मेंबर बनना चाहते हैं, फिर आइडियाज को शेयर करना चाहिए। दूसरों के आइडियाज को सुनना भी चाहिए। अल्लाह ताला ने हमें दो कान दिए हैं और एक जुबान दी है, तो उसका इस्तेमाल भी उसी हिसाब से होना चाहिए। यानी सुने दुगना बोले एक, अगर एक जो एक फीसद बोलते हैं तो दो फीसद सुनने की आदत है। हमारे एक खामियां भी है कि हमारे यहाँ सुनने की थोड़ी सी वो कम है, हम दूसरे की बात नहीं सुनने बगैर अपनी बात पूछना करते हैं। तो लिहाजा एक अच्छा टीम मेंबर होता है तो दूसरों की बात सुनता भी, फिर कॉपरेट्स एक दूसरे के साथ तालमेल करना है, फिर कॉमन और क्लियर गोल के साथ मिलकर काम करना है। टास्क पर फोकस होना चाहिए। जब आप किसी टीम का हिस्सा बन गए और आपने एक टास्क ले लिया कि ये काम हमें करना है, तो उस दौरान तवज्जो इधर उधर भटकानी नहीं है, टास्क पर उस टारगेट को अचीव करने पर फोकस करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर करनी है, वही बात कचरा खरगोश की चौथी रेस वाली, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सबको समझनी है, शेयर करना है, एक दूसरे को साथ लेकर चलना है, जरूरत पड़े तो दूसरे को अपनी पीठ पर उठाकर चलना है। उस मिसाल की तरह क्या अगर कोई शख्स पीछे रह रहा है आपका साथी, तो उसको साथ लेकर चले, उसको अपने साथ चलाए। appreciates differences, जाहिर है हर इंसान की अपनी एक शख्सियत, अल्लाह ताला ने हर इंसान को जब पैदा किया है तो उसके अंदर कुछ खामियां कुछ खूबियां कुछ सोच हर इंसान की अलग रखी हुई, तो ऐसा नहीं हो सकता कि जब आप किसी टीम का हिस्सा है तो तमाम लोगों की सोच एक हो, ऐसा मुमकिन नहीं है। हर दो आपके दो भाइयों की सोच एक जैसी नहीं होगी, तो टीम के सारे लोगों की सोच एक जैसी कैसे हो सकती, तो आपको बर्दाश्त होना चाहिए और आपको जो इख्तलाफ है उसको इख्तलाफ करना चाहिए, उसको दुश्मनी नहीं बना देना चाहिए। इख्तलाफ राय हो अच्छी बात है, बल्कि इख्तलाफ राय से हमेशा एक अच्छी चीज सामने आती है। हर शख्स अपनी अपनी राय है पहले उसी तरह, और आप दूसरे की राय का एहतराम करें, और जिस तरफ ज्यादा लोगों की राय एक हो जाए उसको मान लें। अगर आपकी राय मानी नहीं गई किसी वजह से, ज्यादा लोगों ने आपकी राय से इख्तलाफ कर लिया, तो आपको नाराज होने की जरूरत नहीं है। आप नाराज होकर छोड़ कर चले जाए भाई मेरी दुनिया बाकी चली जाती है, मैं तो इस चीज का ऐसा नहीं करूँगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। हो सकता है नेक्स्ट टाइम कभी आपकी राय अच्छी होगी तो आपकी राय को मान लिया जाएगा, ठीक है। तो असल में राय से जो फैसला हो उसको तस्लीम करना चाहिए और इख्तलाफ राय को बर्दाश्त करना चाहिए। सपोर्ट्स एंड इनकरेज, हाँ अपने साथियों को सपोर्ट करना है और उनको इनकरेज करना है। हर एक को जिसमें क्रिकेट टीम में आप देखते हैं कि जब कोई खिलाड़ी अच्छा कैच पकड़ता है तो सारे खिलाड़ी उसी तरह ब्रश करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, वक्त काले बैठे हैं उनका बड़ा शानदार कैच मैंने भी देखा हुआ है, बहुत अच्छा बाउंड्री पर उन्होंने पकड़ा था, तो सारे पूरी टीम बाउंड्री पर पहुंची और उसको इनकरेज किया। इनकरेजमेंट और सपोर्ट बहुत जरूरी है। अब ये सारी चीजें सोच के आप अपने दिल में खुद से सोचिए कि क्या आप अच्छे टीम पर हैं। अगर आपको कहीं लगता है कि ऐसी कोई चीज मिसिंग है तो आप उसको बेहतर कर सकते हैं। नेक्स्ट, टीम वर्क के लिए छह